कि सर्वनाम के बारे में जब हम पढ़ रहे थे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं सर्वनाम, इंग्लिश में जैसे प्रोनाउन कहा जाता है वैसे ही अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के अगर प्रकार पर जाए तो कुल मिला के सर्वनाम के 6 प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक वाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सर्वनाम के अंतर्गत हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उनको, जैसे नाम के स्थान पर हम मैं का प्रयोग कर सकते हैं, मैं तुम्हारे घर आया था, मैं उसके घर गया था, हम लोग आए थे, हम वहाँ गए थे, ये सारे हमने क्या करा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए। सेम इसमें क्या होता है सर्वनाम के अंतर्गत जो भेद होते हैं इसके अंदर से ये प्रकट होता है कि सर्वनाम का ये कौन सा प्रकार है, टाइप कौन सा है सर्वनाम का, है ना। तो पहला वाला बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वो होता है जैसे आपने क्लाइन सुनी होगी आई मी एंड माई सेल्फ, है ना, मैं मेरा और स्वयं का, यानी कि जब मैं मुझे मेरा हम को इस टाइप के शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसके अंतर्गत क्या होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, है ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जिसको हम अगले वीडियो में इनके भेदों के हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ हम सिर्फ अभी इस वीडियो के अंदर हम इनका एक जनरल मीनिंग समझ रहे हैं कि छोटे टाइप से या उदाहरण के रूप में हम अगर छोटे रूप में को समझने की कोशिश करें तो ये क्या होता है। दूसरा होता है नीचवाचक सर्वनाम। नीचवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जो तीनों पुरुषों में निजत्व का बोध कराए उसे कहते हैं नीचवाचक। जैसे कि अगर हम इसके वाक्य की बात करें तो मैं खुद लिख लूंगा, यहाँ पर मैं खुद लिख लूंगा जो निजत्व यानी जो अपना काम सेल्फ की बात कर रहा है वहाँ पर कौन सा हो जाएगा नीचवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम सबसे सिंपल सर्वनामों में आता है। निश्चयवाचक यानी कि ऐसा सर्वनाम जिसके बारे में पूरी तरीके से निश्चितता है, वह मेरा भाई है, है ना। यहाँ आप पूरी तरीके से निश्चित हो चुके हो कि आपका भाई कौन है, वह है, यानी वहाँ पर कौन सा है निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का चौथा प्रकार होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता है जहाँ पर आपको किसी चीज की निश्चितता नहीं होती, जैसे बाहर कोई आया है या बाहर कुछ लोग खड़े, हमको ये नहीं पता कि कौन खड़ा है, ये शायद बाहर कोई है, यानी जब भी हमको डाउट वाली स्थिति हो जहाँ पर हमको संदेह प्रकट होता है वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध रखता हो वो क्या कहलाता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे इसके अंतर्गत जो वो सो जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, जो वो सो जैसे जो करेगा वो भरेगा, ये सारे इसके अंतर्गत आएंगे। संबंधवाचक में ये जो और वो का आपस में संबंध हो गया, है ना। आखिरी वाला सर्वनाम का भेद होता है ये प्रकार होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम सबसे सिंपल होता है, जैसे हम इंग्लिश में भी देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, अगर आप सर्वनाम के अंतर्गत भी प्रश्नवाचक में आओगे वहाँ पर लास्ट में क्या लगा हुआ मिलेगा आपको क्वेश्चन मार्क, यानी कि जब भी सर्वनाम के अंतर्गत कोई प्रश्न खड़ा हो जाए आपका हमारे सामने तो वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए अगर हम इसको समझें तो बाहर मेरा क्या यह तुम्हारा घर है, क्या तुम वहाँ जाओगे, क्या वह वहाँ रहता है, तो जब भी मन में संदेह आए प्रश्न आए तो आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हम इसका जो अगला वीडियो आएगा अगले वीडियो में हम क्या करेंगे सर्वनाम के एक एक प्रकार को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उदाहरण क्या होते हैं, तो 6 के 6 सर्वनाम के प्रकार उदाहरण सहित हम अलग अलग वीडियो में उसको समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।